हेलो नमस्कार। यदि आप लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी के पार्ट वन 22 से 25 वाले बीएससी के स्टूडेंट हैं, यदि आप लोग भी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे तो फाइनली आपसी का इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। मुंगेर यूनिवर्सिटी द्वारा पार्ट वन 22 से 25 वालों का बीएससी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आप सभी लोग अपना रिजल्ट को देख सकते हैं और साथ ही साथ जो भी नोटिस आया है उसमें क्या क्या बताया गया है, कितने स्टूडेंट पास हुए थे, कितने स्टूडेंट बीएससी वाले स्टूडेंट थे और साथ ही आप सभी लोग किस प्रकार से रिजल्ट को देख पाएंगे, इस वीडियो में हम आप सबको कंप्लीट जानकारी देंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सबसे पहले तो बता दें कि आप सभी का जो भी रिजल्ट का नोटिस है वो अभी अभी जारी किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं 21/11/2023 की यह नोटिस है जो कि आज की आई हुई है नोटिस। इसमें क्या बतलाया गया है वो मैं आप सबको बता दूं। यहाँ पे देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा नोटिस को जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर पार्ट वन विज्ञान संकाय प्रतिष्ठा परीक्षा 2023 17/22/25 का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, वैसे स्टूडेंट जो 22 से 25 वाले बीएससी वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि साइंस वाले स्टूडेंट हैं, सिर्फ उन्हीं का जो भी रिजल्ट है वो जारी किया गया, ना ही यहाँ पे जो भी 21 से 24 वाले पार्ट टू के स्टूडेंट हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि कब आपसे रिजल्ट जारी किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर पार्ट वन विज्ञान संकाय में कुल 3605 यानी कि 3605 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें कि 2681 परीक्षार्थी पास हुए हैं, वहीं 662 परीक्षार्थी प्रमोटेड किए गए, वहीं 4 परीक्षार्थी निष्कासित एवं 258 परीक्षार्थी फेल किए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सभी छात्र एवं छात्राएं संबंधित महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम देख सकते हैं, यानी कि जितने भी स्टूडेंट पार्ट वन 22 से 25 वाले स्टूडेंट हैं उनका जो भी रिजल्ट है बीएससी का वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपसे को पहले भी बताया था कि आपसे का नवंबर के लास्ट तक में जारी कर दिया जाएगा। तो किस प्रकार से आप सभी लोग अपना रिजल्ट को देख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि रिजल्ट को देखने के लिए सबसे पहले तो अपने रिजल्ट को देखने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ओपन कीजिएगा गूगल को और सर्च कीजिएगा मुंगेर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लॉगिन। जैसे ही आप सब लोग स्टूडेंट लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे आप सबको स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप सबको ऊपर में देख सकते हैं एक 3 लाइन्स दिया गया जिस पर आप सब लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबको एक रिजल्ट का विकल्प मिलेगा जिस पर आप सब लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं UG Part 3, उसके बाद UG Part 1 Part 2, उसके बाद PG रिजल्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सबको बीच वाले विकल्प पर क्लिक करना UG Part 1 Part 2 रिजल्ट। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को रोल नंबर मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कॉलेज है आपका वो यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कोर्स है आपका वो यहाँ पे आप सबको बताना है। BSc है यहाँ पे BSc Part 1, यहाँ पे देख सकते हैं BSc Part 1 का विकल्प है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा है वो यहाँ पे डाल करके जो भी यहाँ पे सेम कैप्चा है वो डाल करके सर्च बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सब लोग सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप सबका जो रिजल्ट है वो शो कर दिया जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे देख पाएंगे अपना रिजल्ट और उसका जो भी मार्कशीट है यानी कि मार्कशीट का वेब कॉपी है उसे भी आप सभी लोग यहाँ से प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। और वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पार्ट टू का रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि उनका जो भी रिजल्ट है वो भी जारी जल्द ही किया जाएगा। उनका भी रिजल्ट इसी माह में यानी कि नवंबर के माह में ही आपसे का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। जैसे ही आपसे का रिजल्ट जारी होता है तो मैं आप सबको सबसे पहले अपडेट करूंगा। यदि आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।